क्या हाल चाल सही है भाई? व्हाट्सअप कैसा है? बस हाँ भाई, बढ़िया। तू सुना कैसा है? बढ़िया। आज हम लोग स्पेस की बातें करने वाले हैं, तो मैं जल्दी से मेरा गूगल क्रोम शेयर कर देता हूँ। एंड सबसे पहले आज स्पेस के बारे में बात करनी है। मेरे को याद है जब हम एक बार कसौल गए थे, तो तूने मेरे को एक बंदे की स्पीच दिखाई थी जब हम कसौल में बैठे थे। हाँ तो भाई, लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्सन, कार्ल सेगन। कार्ल सेगन की से स्टार्ट करते हैं। कार्ल सेगन के बारे में आई डोंट नो लोगों को कितना पता है। तेरे को संक्षिप्त में बताना है कार्ल सेगन के बारे में, जो भी तेरे को पता है इसकी किताब के बारे में वगैरह, उसमें लाइक हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस कार्ल सेगन टू पीपल? कार्ल सेगन वही है कि आप किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे तो कार्ल सेगन एक नासा का साइंटिस्ट बोल सकते हैं। बड़ा अचीवमेंट उसके ज़िंदगी का। अब मतलब वो सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट के भी ऊपर काम करता था, मतलब वो गोल्स डिफाइन करता था नासा के, नासा गवर्नमेंट फंडेड, तो वो बताता था कि कहाँ पैसा क्या लगाना है, कैसे काम करना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो नासा ने किए हैं, एक जनरल काम नासा करती है और उसमें साइड साइड मिशंस बोल सकते हो उनको, वो इसकी देन थी काफ़ी। हमारा मतलब नासा का एक मिशन था, वो वॉयजर मिशन, ठीक है। तो वॉयजर मिशन क्या थे कि दो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे थे, 1960 70, मुझे ठीक से याद नहीं है। उनका काम बस यही था कि आउटर प्लैनेट्स जो हैं, सैटर्न, नेपट्यून, पॉसिबली प्लूटो, वहाँ तक पहुँच करके उनको पास से एक्सप्लोर करना कि वो है क्या चीज़, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अर्थ पे बैठ के टेलीस्कोप से देख पाए थे। ये मिशंस जब गए वहाँ पे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसने सवाल उठाया कि क्यों ना हम वहाँ पहुँच के सबसे पहले अर्थ की फ़ोटो खींचे। काफ़ी इंटरेस्टिंग। जब इसने अर्थ की फ़ोटो खींची तो अर्थ वॉज लाइक अ ब्लू डॉट सस्पेंडेड इन अ सोलर बीम। मतलब अगर तू गूगल सर्च करेगा पेल ब्लू डॉट, जो किताब का नाम है, तो उस वो फोटो दिखेगी। उस फोटो को बंदे ने जो इंटरप्रेट किया है भाई, खतरनाक, बहुत प्यारा, मजा आ गया। नाइस। तो पेल ब्लू डॉट के बारे में लोगों को थोड़ा और बता। मैं एक जगह और ये शेयर कर रहा हूँ, जस्ट शेयर विद पीपल अबाउट पेल ब्लू डॉट। तेरा जो ये पूरा व्हाट्सएप है, ये भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, ओह शिट। कोई अच्छा बात नहीं। हाँ, हाँ, तो लाइक पेल ब्लू टॉक डॉट के अबाउट बारे पेल में ब्लू बात डॉट। करते हैं। पेल ब्लू डॉट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल किताब रही मेरी ज़िंदगी के अंदर, मतलब के सॉर्ट ऑफ आप कहानियों वाली किताबें तो बड़ी आसानी से उनमें डूब जाते हो और समझ में आने लगती है, मज़ा आने लगता है, बट टेक्निकल बुक्स बड़ी मुश्किल होती है। ये बंदा थोड़ा सा ऐसा लिखता है कि चीज़ें इतनी स्टोरी बना कर लिखता है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब इसने पेल ब्लू डॉट स्टार्ट करता है ये अपनी ज़िंदगी से, और कैसे ये एक आउटसाइडर था जिसके माँ बाप अमेरिका में उतरे थे, और काफ़ी परेशानियों के साथ में इसको अपने ग्रैंड माँ का नाम मिला था कार्ला। और अब आगे जो भी चीज़ें इसने बनाई, सोची, पता करी, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से ये जोड़ पाता है। इसकी किताब काफ़ी फ्लो रहता है, काफ़ी अच्छा। तो तो अब मेरे को लगता है कि लोगों को वो पेल ब्लू डॉट वाला ना वो सुनाते हैं, लाइक हाँ बिल्कुल। या इन अ सेकंड, इन अ सेकंड। थोड़ा ना आज मेरा ये ट्रिकी हो रहा है सिस्टम। जैसे तू एक बहुत अच्छी 3 3.5 मिनट की एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, कार्ल सेगन की ऑडियो है उसके पीछे, ठीक है। वो डालना है वॉन्डरर्स, यूट्यूब पे डाल। एक सेकंड, मैं कंप्यूटर को ये शेयर कर दूं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो यूट्यूब पे क्या डालूं? वॉन्डरर्स, WANDARDERES, वॉन्डरर्स पहले अपन पेल ब्लू डॉट वाला वीडियो देखे हैं। देख ले, वो देख। पेल ब्लू डॉट विदाउट म्यूजिक वाला आई थिंक बेस्ट होता है, ये वाला। ये मेरे को आज भी याद है जब तूने मेरे को पहली बार From this सुनाया था। distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering,
thousands of confident religions, ideologies, and economic I always love how he says confident religions. Doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. इस पे लोग कमेंट्स करते हैं, आई थिंक लोग बहुत शानदार लाइक कमेंट्स करते हैं इन चीजों पे. फाइनली अ वर्जन विदाउट म्यूजिक, बिकॉज़ हर जगह तू जाएगा ना तो एक इमोशनल सा म्यूजिक बजा देते हैं वो पीछे और इतना खराब हो जाता है वीडियोस से, वो इमोशंस हमारे खुद आने दो ना. सो मच बेटर विदाउट ड्रामेटिक म्यूजिक. मैंने एक कॉमेंट लाइक किया हुआ है, द ओनली थिंग यू शुड नीड टू मेल दिस कंपेलिंग आर वॉच स्पोकन, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग हाउ मेनी मोरॉन्स पुट दिस म्यूजिक. I think हाँ, so इसकी किताब है guys, Pale Blue Dot. I think I never finished it. मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ा था जिससे ये वर्ड्स भी आए हैं, Pale Blue Dot. This is the अच्छा, ये इसकी जो इमेज थी इसको भी Pale Blue Dot बोलते हैं ना. हाँ, यहीं से स्टार्ट हुआ था Pale Blue Dot बोलना, कि अर्थ जो है जब अपन अराउंड सैटर्न या उसके बाद से देखना चालू करते हैं तो मुश्किल से एक पिक्सल लगता है पूरी अर्थ को बताने के लिए. दैट्स इट, मतलब ये बताता है अपना सिग्निफिकेंस के अर्थ कितनी छोटी है और उसके रिलेशन में हम कितने छोटे हैं. मतलब और दैट इज नॉट इवन लीविंग द सोलर सिस्टम. आप सोलर सिस्टम छोड़ोगे उसके बाद में तो द गैलेक्सी इटसेल्फ कुड बी टर्न आउट इनटू अ सिंगल पिक्सल. तो बहुत कुछ है सोचने को समझने को. जस्ट बिकॉज हम थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा लैंड एक्वायर कर लेते हैं हम खुद को राजा समझ लेते हैं और रूल्स बनाने लगते हैं, ये बहुत गलत है. मतलब ये बंदा ऐसा था कि इस बंदे ने जिस भी टॉपिक के बारे में बात करी आपको ये झंझोड़ के रख देगा. मतलब इस बंदे की बातों में ऐसी आयरनी है ना, मेरे को पहले आयरनी में इतना मजा नहीं आता था लेकिन इसको पढ़ने के बाद सब आई नीड मोर ऑफ दिस. तू कौन सा इसका वीडियो बता रहा था मेरे को जो मैं प्ले करूं? बता रहा था वो था वांडरर, यूट्यूब पे सर्च मारना. मतलब जैसे इस वाले वीडियो का जो एक कमेंट लिखा हुआ था
था कि दीज आर मोस्ट परफेक्टली बैलेंस्ड बेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स. व्हिच वर्जन शुड आई प्ले? मेरे को विदाउट म्यूजिक लिखो क्या? सेकंड वाला चलाना. नहीं नहीं सेकंड वाला चलाना, थोड़ा सा म्यूजिक है इसमें ठीक है, लेकिन रेलेवेंस वो नहीं है. उसकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा है. मेरे को बाय हार्ट याद है जब ये बोलेगा. For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood. Far-off places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game. None of them lasts forever. Your own life, or your band's, or even your species might be owed to a restless few drawn by a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. ये वाली लाइन देखना, ये मोबी डिक की लाइन है, बट ये बंदे की आवाज रोंगटे खड़े कर देती है. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas. काफी सही यार. तो जैसे इस बारे में थोड़ी बात करें तो कार्ल सेगन ने अपनी किताब में जहाँ बात स्टार्ट करी थी उसने ये बताया कि हमको क्या है ना, बहुत पहले से ही लाइक केवमैन वाले टाइम से ही हमको आसमान देखना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज दैट वाज पॉसिबली द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वी हैड अदर देन एंटरटेनमेंट और बाकी सब. तो हम देखते थे, तो जब आप किसी चीज को कॉन्स्टेंटली लगातार देखते हो तो आप दिमाग में फेमिलैरिटी आ जाती है, छोटे चेंजेस आप नोटिस करने लग जाते हो. तो हमने बिना नाम वाम पता करे, बिना कुछ भी, जस्ट एक पैटर्न आसमान में देखा तो स्टार्स एंड पॉसिबली जो हमको लगा कि ऑल दीज आर स्टार्स, समथिंग देयर इज देयर शाइनिंग इन द नाइट. अब उसको जब हमने प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद में देखा तो पता चला कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तो फिक्स रहते हैं डे बाय डे और सॉरी नाइट बाय नाइट, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अगर अपन ट्रेस करेंगे तो वो अजीब तरीके से मूव करते हैं. एंड इज अ वेरी इरेगुलर पैटर्न, मतलब कुछ गोल गोल नहीं घूम रहा है, बस वो घूम रहा है. आज भी हम अगर रोज जाकर के नाइट स्काई के रोज एक फोटो खींचेंगे तो हमको वो पैटर्न ऑब्जर्व होगा ठीक है. अब वहां से प्लैनेट्स का नाम पड़ा वॉन्डरर्स. वॉन्डरर को ही ग्रीक आई थिंक या लैटिन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं प्लैनेट्स, तो इसलिए प्लैनेट का नाम प्लैनेट है ठीक है.
वांडरर्स इसकी एक और किताब है क्या? पेल कार्ल सेगन की बुक्स कौन कौन सी है? बहुत सारी है ना कार्ल सेगन बुक्स. सो कार्ल सेगन की एक बुक है कॉस्मोस, पेल ब्लू डॉट, कॉन्टैक्ट. हाँ, हैव यू रेड दिस कॉन्टैक्ट? इसमें भी मैंने ये एलियंस के बारे में है क्या? हाँ, मूवी वाले कॉन्टैक्ट तो मूवी तूने भी देखी होगी, इसे बेस मूवी है. अच्छा, मैंने मूवी नहीं देखी है. काफी ज्यादा अच्छी. जैसे एक इसकी एक और किताब थी कार्ल सेगन की, नाम याद नहीं आ रहा है, बस पढ़ी तो है वो भी, छोड़ो भी निकालना बेकार है. ठीक है, तो और मतलब बात कर रहे थे कि ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो फिर हमने प्लैनेट्स बोलना चालू करा, इनको नाम वाम दिए. जो जो स्टार्टिंग के एलिमेंट जो प्लैनेट्स जो हमको दिख सकते थे भाई नेकेड आए, उनको हमने नाम दिए, और फिर हमने जबरदस्ती की उसमें जो है आइडियाज लगाने छोड़ दिए. तो आज के टाइम पे आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो, जैसे कि जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग. एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली साइंस है, लेकिन वो सूडो साइंस, मतलब वो पहले जब कुछ नहीं था तो वो काम करता था कहीं ना कहीं. अब आज जब हम हमारे पास में एक्चुअल साइंस है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लोग उस पर क्लिंग करते हैं अभी. सिद्धार्थ पाटिल ने कमेंट किया, तैयब एक्सप्लेनिंग वंडरर्स लाइक शेल्डन एक्सप्लेनिंग फिजिक्स टू पेनी. गुरकृत सिंह इज सेइंग कॉन्टैक्ट मूवी में मिरर सीन बहुत सॉलिड है. फक, व्हाई डोंट आई नो अबाउट दिस मूवी कॉन्टैक्ट? शायद मैं देखी होगी, तेरे को नाम याद है. रॉटन टोमेटो 65. सॉरी, रॉबर्ट ज़ेमेकिस की है ये. होली शिट, इसने तो बहुत तगड़ी तगड़ी पिक्चरें बनाई है यार. फ्लाइट भी तो इसी की है जो डेंजल वॉशिंगटन वाली है. तो मैं क्या कह रहा था कि कार्ल सेगन से हम कहाँ सेग्वे ले सकते हैं? लाइक हमने कार्ल सेगन की बात की एंड हम अब वॉयेजर की बात करते हैं यार. तैयार, मेरा बड़ा मन है, जब हम आज फोन बात कर रहे थे ना कि क्योंकि जो हमने वॉयेजर 2 के थ्रू अचीव किया था जो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी बात है ना. वॉयेजर 2 इज स्टिल इन स्पेस ना अभी. वॉयेजर 1 एंड 2 बोथ आर स्टिल इन स्पेस. हां ठीक है. और वॉयेजर 1 एंड 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. पहली बात तो ये था कि इन दोनों को बनाया इसलिए गया था फॉर द सोल पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग. ठीक है, हमको पता था कि इससे इमीडिएट कुछ फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी एंड व्हाट आर वी, वो काम में आ सकता है विदाउट इवन नोइंग कि हमको एक्चुअली क्या पता चलेगा. तो बेसिकली इनको बनाया गया था कि ये जाएंगे, ये सैटर्न और जुपिटर यहाँ तक जाकर के कुछ सर्च पर कर पाएंगे, एंड इफ दे स्टिल वर्क एक्सेप्टेबली तो मे बी इनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, बट वो कोई प्लान नहीं था. ठीक है, और आई बिलीव अराउंड 2 ईयर्स बैक अपने वॉयेजर 2 ने प्लूटो को क्रॉस किया. And that is very important. And it entered the interstellar space. Interstellar space. So actually, दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही equipment, एक ही instrument ऐसा बना है जो interstellar space तक पहुंचा है. ठीक है. So that is Voyager, the fastest spaceship ever. That is also Voyager, क्योंकि वो आज भी accelerate कर रहा है. मेरे को एक बात बता, Voyager 1 is an interstellar space. Voyager 2 अभी इंटरस्टेलर स्पेस में नहीं है. बेसिकली जितना मुझे याद है कि अराउंड जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में ये हुआ था कि वॉयेजर 2 पार्ट थे, क्योंकि इनको कुछ महीनों के अंतराल पे मतलब बीच में छोड़ा गया था जस्ट फॉर रिडंडेंसी कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करेगा. तो अभी हम जो देख सकते हैं, इन्होंने क्या करा, प्लेन चेंज करा था कि ये जैसे जा रहे थे तो एक तो ऊपर चला गया और एक टूवर्ड्स मोर प्लैनेट्स चला गया. आया समझ में? थोड़ा आइडिया लगेगा कि अगर अपनी सोलर सिस्टम एक प्लैनेटरी डिस्क टाइप से है तो एक तो रेडियली उस पे चल रहा है यार. एक चीज देख, नहीं नहीं जो मैंने खोला है तो वो देख, व्हिच वॉयेजर इज फार्दर अवे, मिशन इलैप्स टाइम दोनों का देख क्या रहा है. वॉयेजर 1 का रहा है 42 इयर्स 10 मंथ्स 9 डेज, वॉयेजर 2 का रहा है 42 इयर्स 10 मंथ्स 24 डेज. सो आर यू टेलिंग मी दोनों वॉयेजर एक ही साल उड़े थे? हां हां बिल्कुल, इनको बस थोड़े टाइम के बाद में ही छोड़ा गया था. यू कैन सी लाइक 5 दिन यानी कितने थे, 15 दिन. हां 15 दिन के फर्क पे छोड़ा गया था, क्योंकि ये रिडंडेंसी थी कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा काम करेगा. क्योंकि सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो लोग नहीं समझते हैं वो ये है कि अर्थ पे भी रहता है, द वन हु कम्युनिकेट्स विद द सैटेलाइट. हां
जब आप इन्वेस्ट करते हो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो यू वांट कि अगर सैटेलाइट फॉर सम रीजन खराब हो जाता है तो पूरा पैसा बर्बाद नहीं हो. तो इन्होंने दो छोड़े कि मे बी ये खराब हो जाएगा, लेकिन दोनों काम करते रहे. सो देख यहाँ पे एक बंदे ने बताया है, वॉयजर 1 इज 0.0018 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, वॉयजर सॉरी 2, एंड वॉयजर 1 इज 0.0021 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ स्लाइटली. और नहीं ये तो कुछ और आ गया. तो ये देख, अरे अब अपन वो भी देखेंगे ना नासा का, ये देख मिशन स्टेटस आ रहा है. फक घड़ी साथ साथ हिल रही है इसकी, कि कितना रियल लगता है ना कि कॉस्मिक रे डेटा वन वे लाइट टाइम डिस्टेंस फ्रॉम सन. मेरे को ये नहीं पता था कि दोनों एक ही 15 दिन के गैप में उड़े थे. अच्छा अब क्या हुआ कि कार्ल सेगन पे दोबारा फॉर सम रीजन आना पड़ेगा हमको. इसको ये पता था कि ये हमारी ऐसी चीज है जो सोलर सिस्टम क्रॉस कर सकती है. मतलब इफ वी आर इन एनी डे गोइंग टू कॉन्टेक्ट एनी फॉर्म ऑफ एलियन लाइफ, ये हमारा पहला हैंडशेक हो सकता है. तो अच्छा अब तो गोल्डन डिस्क की बात करने वाला है क्या? अरे भाई गाइस इफ इसके बारे में को थोड़ा बता रहे थे, मेरे दिल के बहुत करीब है टॉपिक गोल्डन डिस्क पे, क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट आइडियाज ऐसे बहुत आते हैं और गोल्डन डिस्क के ऊपर मतलब बहुत सारी जो एलियन मूवीज बनती है ना, एक दो एलियन मूवीज में उसका टॉपिक भी यूज किया है कि गोल्डन डिस्क में से उन्होंने कुछ सुन लिया और फिर एलियंस आ गए अर्थ पे. लाइक क्योंकि उसमें अभी वी लिसन टू द कंटेंट ऑफ गोल्डन डिस्क. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें राजस्थानी में ग्रीटिंग गई थी, कंटेंट विद दैट खम्मा गाड़ी मेरी तरफ से जा रहा है. द 116 इमेजेस नासा वांट्स एलियन टू सी, सो इसमें इमेजेस गई थी, इसमें गाने गए थे, इसमें ग्रीटिंग्स गई थी, इसमें ऑडियो मैसेजेस थे, इसमें इमेजेस थी, और जो इक्विपमेंट था वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन था कि अगर वो एलियन उसको ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि जिस जमाने में ये छोड़ा गया उस जमाने में वी डिडंट हैव स्क्रीन्स या फिर कोई डिजिटल फॉर्मेट, फाइनल रिकॉर्ड था. अब फाइनल रिकॉर्ड को आप हाथ में पकड़ के कुछ पता नहीं कर सकते, यू नीड वाइनल रिकॉर्ड प्लेयर. वो फिट हुआ है ठीक है, साथ ही साथ में ये और इन्फॉर्मेशन लिखी गई कि वाइनल रिकॉर्ड को कितनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन और वो सिंबल्स के थ्रू बताया गया. तो आज तू या मैं कोई एलियन अगर इस चीज को पकड़ता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज एंड हाउ टू आई गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. और ये वो ये गोल्डन डिस्क वॉयजर 1 में या 2 में? आई बिलीव दोनों में है बट मैं गलत हो सकता हूँ. अच्छा तो इसका ना यहाँ पे नासा की वेबसाइट पे बहुत सही है कि वो इसमें उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है. The golden record, history and manufacturing, what's on the record? हाँ तो ये सही. दोनों में है ये, 1 और 2 दोनों में लिखा हुआ. ठीक है. अच्छा. Images, music, sound, greetings. Images देखते हैं. मतलब और images इतनी सही है. सबसे पहले जो इन्होंने दिखाया है कि हमारा जो भी dimensions कैसे work करते हैं. Basically इन्होंने ये सब, क्योंकि देख आगे शायद हम किसी और video में बात करेंगे कि हमारी जितनी भी science और mathematics है ना वो derived है. And we started with 1 plus 1 equals to 2 and then we made on different things from that. Jitne bhi units hain, kilogram, light year, ye wo 50 cheezein, wo sab derived hai. So that will be very different from other intelligent beings agar wo possible hai to. To unko ye batana ke hum kahan se baat start karte hain. Like what does 1 meter means to us? What does 4 quantities of things mean to us? Matlab jo bhi cheez hum jante, basic mathematical science. वहां से इन्होंने समझाना स्टार्ट करा. उसके बाद में इन्होंने आगे बताया लाइक फॉर एग्जांपल जैसे तू ऊपर जाएगा तो कलर स्पेक्ट्रम बता रहे हैं. तो आरजीबी बताना चाह रहा है ये कि द लाइट व्हिच वी कैन सी नेचुरली. ठीक है. फिर उसके बाद में हमारे आसपास की जितनी भी चीजें जो हमको स्पेस में दिखती हैं वो बता रहे हैं हम. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन सी द मून, वी कैन सी जुपिटर, वी कैन सी अर्थ. ठीक है. फिर एक अर्थ का क्लोजअप है. उसके बाद में केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह है, डीएनए के स्ट्रैंड्स वगैरह है. मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि हाउ मच वी नो ऑलरेडी. तो अगर पता है तो वो रिलेट कर पाएंगे और नहीं पता है तो मे बी दे कैन डिस्कवर मोर. हमसे पिछड़े हैं तो ये उनके लिए, अगर अराइवल जैसे हैं तो वो हमें हेल्प करेंगे. ये भी आगे बात करेंगे. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो पिछड़े हुए हैं और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर वो है वो हमसे आगे ही होंगे ना. अब जैसे ये है कि बच्चा होता है तो कैसे वूम में होता है, ये कितना फैसिनेटिंग है. फिर ये कैसे दिखाया है कि आइलैंड कैसे दिखता है. यू कैन डू एन एक्सरसाइज एंड थिंक ऑल दिस केम फ्रॉम एन एलियन प्लैनेट टुवर्ड्स यू.
एंड विल यू अंडरस्टैंड इट, क्या हो क्या रहा है ये, आपको समझ में भी आएगा? सोच के देखो अगर ये ऑक्टोपस होता है ये आदमी की जगह पर, तो क्या समझ पाते आप? कोई फंगस है जो कि इंटेलिजेंस अक्वायर कर चुकी, तो वो कैसे दिखेगी, वो क्या चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेगी, वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये कितनी सही इमेज है भाई साहब। फिर इमेजेस से हम ऑडियो पे जा सकते हैं, एक बार देखते हैं ना। मैं तो ये तो सारी इमेजेस, और इसमें ना हर की डिस्क्रिप्शन है, मॉडर्न हाउस, यूएन बिल्डिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्क्रिप्शन अपने लिए है, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। हाँ, ये ऑब्वियसली। हाँ, और मोर इम्पोर्टेंट, उनके पास में अगेन कोई स्क्रीन नहीं है, कोई प्रोजेक्टर नहीं है। दिस इज ऑल ऑन द वाइनल रिकॉर्ड दैट हैज टू बी स्पन एट अ फिक्स रोटेशन रेट, तब जा करके वो ये डेटा प्रोड्यूस करेगा, और फिर इस डेटा को, पिक्सल वैल्यूज को, उनको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करके एक स्क्रीन पे या एक फोटो बनानी पड़ेगी, देन ओनली दे विल बी सी एबल टू सी दिस। तो मैं समझा नहीं, वाइनल रिकॉर्ड से तू इमेज कैसे जनरेट करेगा? वाइनल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्डिंग मीडियम जिसमें मैं डेटा रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ। गाने रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ, लेकिन उसको वापस से डेटा को पढ़ करके आई नीड अनदर मीडियम, के जैसे गाना चाहिए तो स्पीकर चाहिए, विदाउट स्पीकर गाना का मतलब नहीं है, तो स्पीकर उस पे है, अगर वो खराब हो गया तो फिर वो वाइनल रिकॉर्ड किसी काम का ही नहीं। तो हमने ये भी इंफॉर्मेशन ऊपर लिख के दी है कि स्पीकर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो वाली इंफॉर्मेशन भी, दे नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वीडियो। तो इनके लिए सबसे ज्यादा काम की बात है, मान ले, क्योंकि इमेजेस के लिए एक सेकेंडरी चीज चाहिए, कि एक चीज जिसके लिए सेकेंडरी चीज नहीं चाहिए वो ऑडियो है, राइट? पॉसिबली, लेकिन उस पे ये भी है कि उस वो जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। ओके, अगर वो कहीं किसी प्लेनेट पे क्रैश लैंड भी करता है तो दैट विल जस्ट लाई देयर, किसी को उसको उठा करके वीडियो प्लेयर के ऊपर लगा करके वीडियो प्लेयर को चलाना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि वो वीडियो प्लेयर मौजूद है साबुत चल सकता है। ओके, ठीक है, और जैसे बहुत कम चांसेस है, कुत्ते की आवाज दी है, चिंपैंजी की आवाज, जैसे कि ये वाला जो गोल्डन कलर का जो इमेज दिख रही है, दिस इमेज एक्सप्लेन्स हाउ टू रन दिस वाइनल रिकॉर्ड, ये उस पे बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यू कैन राइट नाउ इमेजिन यू बीइंग एन एलियन एंड रीडिंग दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस। जैसे नीचे की तरफ जो ये स्पार्कल जैसे लंबी लंबी लाइंस हैं, दैट शोज आवर एड्रेस इन द स्पेस, या एटलीस्ट व्हाट वी अंडरस्टैंड एज आवर एड्रेस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फिक्स्ड कुछ स्टार है। एक मिनट रुक, ट्रिपी दत्ता कमेंट्स में कह रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, आई एम लॉस्ट। भाई उसे बताते हैं, ट्रिपी दत्ता सर ट्रिपी हो गए हैं, ये रात के 1 बजे की बात होती है। ट्रिपी दत्ता, हम बात कर रहे हैं गोल्डन रिकॉर्ड की, जो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 में हमने एलियंस के लिए भेजा है, एलियंस के लिए भेजा है। दिस इज द ओनली वे वील एवर बी एबल टू, मतलब अभी तक दिस इज द ओनली वे वी हैव सेंड समथिंग टू द एलियंस, राइट? इसके अलावा हमने कुछ भेजा थोड़ी अलग से, थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है कि हमने फिजिकली यही चीज भेजी है। हाँ, फिजिकली यही चीज भेजी है, ठीक है, फिजिकली यही। दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट इज आउट ऑफ द सोलर सिस्टम मेड बाय ह्यूमंस। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि क्योंकि जैसे तूने वीडियोस भी देखे होंगे कि हम एलियंस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू माइक्रोफोन्स और क्या बोलते हैं रिसीवर्स बहुत सारे लगा रखे होते हैं डिश एंटी, और वो कोई मिल गया वाला। हाँ, तो एक सर्च मार सकते हैं, वाओ सिग्नल करके है, बहुत फेमस, जो कि पहला अंडरस्टैंडेबली सिग्नल फ्रॉम एलियन, द वाओ सिग्नल। सुने इसको? अपने लिए नहीं है ये, अपन को एलियन की भाषा समझ में नहीं आएगी। ये अपन ने एलियन के लिए बनाया है? नहीं, ये रिसीव हुआ है। क्या बात कर रहा है? सुनो, दिस इज एलिजिडली, ठीक है, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, वी ओनली नो कि इसका जो बिहेवियर है दैट टेंड्स मोर टुवर्ड्स इंटेलिजेंट लाइफ रादर देन कोई प्लैनेट या सन से निकला हुआ। टेलीस्कोप बिग ईयर, तो अब ये 72 सेकेंड का वो सुनने वाला है।
The narrow band radio signal appeared to come from the basically हमको लगता है कि सारे सिग्नल ऑडियो के होते हैं, रेडियो सिग्नल है, separated on paper या on image, जैसे earthquake को अपन record करते हैं, ऐसे record करते हैं। हाँ, the entire signal lasted for 72 seconds window during which Big Ear was able to observe it, but it has not been detected since. Despite several subsequent attempts by Ehrman and others, many hypotheses have been advanced on the origin of the emissions, including natural and human-made sources, but none of them adequately explains the radio signal. This is the actual recording. तुम लोग भाई एलियन क्या बोल रहे? Qualified NASA scientists and all, तो ये बता रहे हैं कि हाँ ये natural occurrence नहीं है, this has to be something intelligent. Maybe मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, but मेरे को तो आ रहा है भाई. सॉरी, चल रहे थे. Sounds like the brakes on a Volvo. This makes me actually afraid. Sounds like a fax machine. Could it be Morse code? No, because even Morse code is a method of communication we constructed based on our own language. Fuck, dude, this is. क्या crack कर लिया हमने? तो wow signal पे और क्या-क्या videos बने? वाव सिग्नल के बाद में क्या हुआ था कि फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ आया तो हम जवाब देते हैं, तो हमने कुछ जवाब भी दिए थे उनको. क्योंकि हमको एक जनरल आइडिया था कि वो स्पेस के किस डायरेक्शन से सिग्नल रिस्पांस ठीक है. तो उस कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई वो लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे जो है हमला कर सकते हैं और तुम उनको जवाब देके ये बता रहे हो. बहुत ज्यादा लोगों ने मना किया था, बट अल्टीमेटली वी डिड सेंड अ रिप्लाई देयर. Hi, I'm Erin Ryder from Chasing UFOs, and I'm here at the world-famous Arecibo Observatory in Puerto Rico, site of the largest single-aperture telescope ever constructed. Now, usually this thing is used for listening to the skies. Since 1999, the scientists here have been collecting data for the SETI program, searching for signs of extraterrestrial intelligent life. But today, we're going to do a lot more than just listen as we transmit the collective global response to the WOW signal into outer space. But first, let's take a look back to the beginning of June and the video we made to launch this project. 35 years ago, we received a signal from space. It became known as the WOW signal. Many people believe the WOW signal was... Huh? ये image important है. Space, it became known. यहाँ पे. ये है वो WOW signal. ये बंदे ने देखा था और देखते के साथ ही वाव लिखा पेपर पे और अपने सीनियर्स को बोला कि भाई हमने एलियन का पता कर लिया. दिस इज द सिग्नल. कैसे? मतलब क्या ये वाव कैसे? ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कभी कहीं से भी ऑब्जर्व नहीं किया गया. ये नेचुरल अकरेंस में नहीं आता है. ठीक है, वी कैन नॉट से कि ये इस वजह से आया. तो जब हम नहीं बोल सकते, दैट मींस इट इज कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिग्नल. As the WOW signal. Many people believe the WOW signal was kind of like a tweet from outer space. If it was, it's kind of like a tweet from outer space. It was a message. Isn't it about time we sent a reply? To coincide with the 35th anniversary of the WOW signal, we are going to crowdsource a reply and send it back using the biggest radio telescope we can get our hands on. Arthur C. Clarke famously said, either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Both are equally terrifying. And that fascination with the concept of intelligent life out there, and what would happen if we somehow managed to make contact, is at the heart of all of the cases we investigate on our show. Given the chance to send a one-time message to an extraterrestrial civilization, what exactly would we say? That was a task we gave you
And oh boy, did you rise to the challenge. You sent greetings. Hey, space aliens. Hello, my name is Robert Schwartzman. Hello, beings of another world. You sent welcomes. You know, visit sometime if you'd like. You sent warnings. Enough with the probes. If, after Armageddon, those cheeky aliens try and park in our resident parking bays. You sent everything from the silly. Come and party here with us. To the serious. Oil. The human condition is defined by the fact that we are mortal and we long. From the inspirational. We trust that we will have much good. To the profane. Goodness to share with each other. Everything from science fiction. This message goes out to whoever's piloting UFOs. To hard science. This could be called active SETI or. You shared everything from music to sports. If we could explain baseball to you in 20 seconds, then we would be geniuses. To food. We are not delicious. Thousands of messages from different cultures in different languages from all over the planet. All of them say, we are human, we are here. Thanks. So tell me a little bit about the telescope that we're working with. It's a remarkable engineering accomplishment, and yet it's also very simply constructed. It is the biggest single dish telescope in the world. It's 305 meters across. That it was ours. It's a common. The civilization that sent is probably extinct. हम उस बारे में बात करते हैं कि हम यहाँ भी यहाँ तक पहुँचे कैसे अभी तक. हमने पहले बात करी थी कि वॉयजर इज द फर्स्ट फिजिकल थिंग दैट वी हैव सेंड आउटर स्पेस के अंदर. एंड ये सिग्नल्स वाली जो चीज़ है ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं. पॉसिबली हमको पता भी नहीं था. क्या होता है कि जैसे आज अपन FM रेडियो ऑन करते हैं तो वी कैन डिटेक्ट द FM सिग्नल्स फ्रॉम द टावर टू आवर होम. तो हम जब से FM सिग्नल को बना रहे हैं और FM पे हम गाने सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, we are broadcasting into the space. Nice. This is nice. It's very important. बहुत सारे टॉपिक इसमें आगे जोड़ेंगे. तो what is happening is कि हम अगर आज हम बात करें कि for example मेरे को ठीक से याद नहीं, अगर तो भी Google search मारेगा when was the first radio broadcast. एक लाइन में बताना. ठीक है, 1917 के आसपास, मतलब 1900, अराउंड 100 इयर्स एटलीस्ट. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, अराउंड 100 इयर्स हम सुबह शाम 24 घंटा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है. और वो ब्रॉडकास्ट कमिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड इटसेल्फ, वो बाहर भी जा रहा है. अब वो बाहर ऐसे जा रहा है कि वो सिग्नल जाता जा रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग. तो अभी अगर somehow तेरे पास में कोई light engine वाली machine हो and you can travel faster and you can actually hear the first radio signal that we transmitted. वो अभी भी space में चल रहा है. ठीक है, ये तो एक mindfuck चीज यहाँ से निकल कर गई. दूसरी बात, जैसे हमने बात करी थी, हमारे comment भी काफी आ रहे हैं कि हमको कैसे पता कि कोई और intelligent being मौजूद है कि नहीं है. What is happening is कि हम actually इतना समझ चुके हैं कि वी आर नॉट फाइंडिंग इंटेलिजेंट बीइंग्स, वी आर फाइंडिंग इंटेलिजेंट सिग्नल्स फ्रॉम दोस बीइंग्स. अगर वो मिल गए तो दैट मींस द सोर्स हैज टू बी इंटेलिजेंट. तो हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे अर्थ, पॉसिबली अर्थ 2.0 का वो बबल ढूंढ रहे हैं जो रेडियो सिग्नल बढ़ता जा रहा है. तो कभी ना कभी पॉसिबल है कि वो सिग्नल्स हम तक आएंगे एंड वील स्टार्ट. हम सिंपली एक टीवी ऑन करके एलियंस का चैनल ऑन कर पाएंगे और वो 24 घंटे हमारे पास ब्रॉडकास्ट आएगा एलियंस का. पर तू ये कह रहा है कि अगर उनका कोई ब्रॉडकास्ट आएगा तो वो रेडियो सिग्नल के फॉर्म में आएगा. वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स और कुछ सिग्नल्स फेड हो जाते हैं आफ्टर कुछ डिस्टेंस के बाद में, और कुछ सिग्नल्स होते हैं वो चलते रहते हैं, फेड होते हैं बहुत ग्रेजुअली. तो रेडियो सिग्नल इज व्हाट वी हैव फाउंड इज वन मीडियम जो कि बहुत लंबे. तो अभी हम जो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो बबल की एज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हमको सिग्नल आने चालू हो जाए. सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ, देयर वाज सम. उसमें ये वाली भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता जो तूने फोन पे भी बात करी थी कि स्टार्ट सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स 5 billion years, 10 billion years के बाद में अर्थ खत्म हो जाती है. लेकिन वो जो बबल था जो बड़ा होता जा रहा है, आज सिग्नल स्टिल एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स.
तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर हमको कभी ऐसा कोई बबल आता है मिलेगा भी स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस फॉर अबाउट 100 years, 1 billion years, उसके बाद में वो स्ट्रीम बंद भी हो सकती है बिकॉज दे एक्चुअली वेंट एक्सटेंट और उसके बाद हमको उनके मैसेजेस आने चालू हुए. सॉरी मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये भी हमने रेडियो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू एंटर. ये कितना एक्यूरेट लग रहा है तेरे को इन्होंने जो देखा, ये कितना एक्यूरेट है, ये क्या कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, ये कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पता ही नहीं उसको. लगता है तुम्हारे पापा का कोई प्रोजेक्ट है. देखो प्रेस बी फ्लैश हो रहा है. ये तो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? इसे भी चैनल लोगों को ऑडियंस इसको इसमें कनेक्ट करके देखते हैं. Oh. Wow. Amazing. Press F. Oh. ये तुमने कैसे बजाई? ये तो मुझे आती है. ये तो मुझे आती है. अब उनका रेडियो सिग्नल आएगा ना. रोहित मुझे भी सिखाओ ना. अब उसका रिप्लाई आएगा. ये शायद नहीं है, ये बदल दे रहे हैं. सेंडिंग बेसिकली ये वीडियो एक्चुअली बताता है कि इंसान कैसे सोचते हैं आप. हाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मीडियम है. मुझे ओम समझ आता है तो ओम इम्पोर्टेंट है. एलियन को नहीं आता तो ये ओम इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी फाइंड दैट एक्चुअली हाँ ये बेसिस हो सकता है वो है मैथमेटिक्स. इनको ये तो समझ में आना ही चाहिए क्योंकि 1+1 = 2 होता है. ये हमारे लिए भी है, ये उसके लिए भी है. यहाँ से हम बात स्टार्ट कर सकते हैं. अब मूवी की ही बात कर लेते हैं कि जो मुझे बेस्ट पॉसिबल मूवी लगी एलियंस और एक्सप्लोरेशन वाली बात पे, दैट वाज अराइवल. अराइवल हैज टू बी अराइवल, मतलब दिमाग खोल देती है वो पिक्चर आपका. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज मोर रादर देन एलियंस in an alien movie. पर इसका मैं कुछ चला नहीं सकता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. जरूरत नहीं है, maybe our viewers can watch this movie. और इसकी भाई शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ना, ये टेड चांग की एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है. स्टोरी ऑफ आवर लाइफ में है ना इसकी शॉर्ट स्टोरी, नाम भी अराइवल है उसका. नाम यही है, स्टोरी ऑफ योर लाइफ ही नाम है उसका. अच्छा, बुक का नाम भी यही रखा है, कलेक्टेड स्टोरीज का नाम. उसमें एक स्टोरी है, दैट इज स्टोरी ऑफ योर लाइफ. So you should like watch this. Comments नहीं पढ़े यार मैंने बहुत देर से. आज गौरव का भी comment आया था, मैंने देखा था. पता नहीं पता कैसे चला. सिद्धार्थ पाटिल, thanks for playing कोई मिल गया clip. Webov, you are the best. Webov saying look at the title of the video. क्या है भाई अपने title video का? मुकुंद शर्मा, रोहित मेरा reminds me of सिद्धार्थ पाटिल तैयब cries silently. धूप धूप सही है. हाँ, तो यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं कि हमने वॉयेजर की बात कर ली. हमने वॉयेजर की बात कर ली, जो फिजिकल चीज भेजी है हमने, जो डिजिटल सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स जो भेजे हैं उसकी बात कर ली. अब हम बात कर सकते हैं यार इन्होंने किसकी भी आवाज भेजी है, किसकी आवाज सुनते हैं. अरे यही सब बिक रहा है इसलिए लोग दिख रहे हैं. ट्रैक्टर बस F11 फ्लाई बाय क्या होता है, कुछ कोई वो है क्या ये जाता है? ओ
और कोई इंटरेस्टिंग आवाज दिख रही है क्या? टेम डॉग फायर स्पीच वाइल्ड डॉग का नहीं पता, लेकिन एक इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्क अपन को दिख रही है, इस डिस्क को जब उल्टा करेंगे, आई डोंट नो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, तो उस पे ह्यूमंस बने हुए हैं, एक औरत और एक आदमी, एंड दे आर नेकेड, ठीक है, ये बताने के लिए कि व्हाट आर वी, हाउ डू वी लुक लाइक। तो उस पे भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि एलियंस को हम जो है न्यूडिटी को दिखाएंगे, तो फिर लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत करके समझाया कि न्यूडिटी इज अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट, हाथी और घोड़े के लिए न्यूडिटी कुछ नहीं होता, तो वैसे के लिए क्यों होगा न्यूडिटी? आपको शर्म आ रही है, एलियंस को नहीं आएगी, दे वुड एक्चुअली वांट टू नो कि हाउ डू वी लुक लाइक। तो वो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोटो जो हमने भेजी है, शायद गोल्डन रिकॉर्ड सर्च करेगा गूगल इमेजेस में तो मोस्ट प्रोबेबली तेरे को वहां मिल जाएगा, गोल्डन रिकॉर्ड कवर, एल्बम कवर बनाया है लोगों ने, इसका कवर भी बनाया है, अवर ह्यूमंस। पता नहीं, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। But this is so interesting, golden record. अरे यार ये statement ना मैंने मेरे blog पे डाली थी। Yellow वाली जो photo है। ये वाली? हाँ yellow, हाँ ये। पर मैं तेरे को ये दिखाता हूँ। ये ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है statement, ये मैंने मेरा एक blog है filming in the dark वहाँ पे डाली थी, because तू सोच we are representing ये Jimmy Carter का I think वो गया था जो statement थी। Statement, this was a spacecraft was constructed by the United States of America. We are a community of 240 million human beings among the 4 billion who inhabit the earth. We human beings are still divided into nation states, but these states are rapidly becoming a single global civilization. Well, not anymore after COVID. Let's hope ho jayega. We cast this message into cosmos. It is likely to survive a billion years into our future when our civilization is profoundly altered and the surface of the earth may be vastly changed. Of the 200 billion stars in the Milky Way galaxy, some, perhaps many, may have inhabited planets and spacefaring civilizations. If one such civilization intercepts Voyager and can understand these recorded content, here's our message. This is a present from the small distant world, a token of our sound, our signs, our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. Kya beautiful line hai. Ye bahut zaruri line. We are attempting to survive our time so we may live into yours. We hope someday, having solved the problems we face, to join a community of galactic civilization. This record represents our hope and determination. And a goodwill in a vast and awesome universe. 1977. Fuck, dude. Kitna powerful hai ye. Machaya to hai logon ne. Ye kya hai? Voyager's fan letter. I'm writing in concern for the show Voyager's. हाँ तो वो photo पे आते हैं जो हमने वो. हाँ, ये वाले ना. ये फोटो भी हमने भेजी थी साथ में, तो इसके ऊपर भी फिर वो ये कंट्रोवर्सी जो निकल के आई थी वो यही थी कि पीपल सेड कि एटलीस्ट फीमेल फिगर को हम न्यूड नहीं भेज सकते क्योंकि वो दैट इज, ये एक बहुत अच्छा है, वेयर आर दे नाउ वॉक्स का, Incredibly, Voyager 1 and Voyager 2 are still communicating with Earth. They aren't expecting to lose power until the 2020s. Fuck, that's it. 2020 to aane lag gaye. That's how NASA knew that Voyager 1 became the first ever spacecraft to enter interstellar space in 2012. The probe detected high density plasma characteristics of space beyond the heliosphere. Voyager 2 is currently traveling through outer layers of heliosphere. It's moving, ये पुराना आर्टिकल होगा क्योंकि आई थिंक ये भी पहुंच गया ना इंटरस्टेलर स्पेस में, है ना? हाँ, ये सो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये फोटो समझा, ये फोटो हमको हीलियोस्फेयर के बारे में बताता है। हीलियोस्फेयर इज द हाइपोथेटिकल स्फेयर जहाँ पे सन की पावर्स इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो एवरीथिंग दैट इज इन आवर सोलर सिस्टम वो सब सन की ग्रेविटी की वजह से लॉकडाउन है, अदरवाइज दे वुड बी फ्लाइंग जहाँ पे भी उनको जाना है, ठीक है? तो वो ग्रेविटेशनल जो उसका फोर्स है
वो जिस फेयर के बाद में एक्ट करना बंद कर देता है. ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है ना कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, राइट, एंड द सन इज ऑल्सो मूविंग इनसाइड एन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, राइट, एंड दैट गैलेक्सी इज ऑल्सो मूविंग, राइट. और क्या हो रहा है कि बहुत सारी रेडिएशन हमारी तरफ सन से आती है जो हमारी ओजोन हमको बचा लेती है. ऐसे ही बहुत सारी रेडिएशन आउटर स्पेस से आती है जो हमारा सन हमको बचा लेता है. ठीक है, दैट तो जो जब सन जो चल रहा है स्पेस के अंदर उस स्पेस को फाड़ रहा है एक तरीके से. जैसे अगर कभी कुछ एयरप्लेन बहुत तेज चलता है तो उसकी जो नोज होती है उसके ऊपर से एयर निकलती चली जाती है. ठीक है, अगर स्टीम वगैरह कुछ देखोगे, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है, तो सन इज मूविंग इन द स्पेस, ठीक है, अलॉन्ग विद आर अर्थ एंड ऑल द सोलर सिस्टम. लेकिन वो एक अपने ऊपर एक कर्व बनाता हुआ जा रहा है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द हार्मफुल रेस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वॉयेजर और एनी इंस्ट्रूमेंट थिंग दैट हैज एस्केप्ड दैट थिंग, राइट. तो जैसे ही उस स्पेयर से बाहर निकला तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स जो रेडियो और माइक्रोवेव जो ऑब्जर्व करते थे वो इतने ज्यादा बढ़ चुका है कि हमको पता है कि कुछ सालों में ही ये पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हमको सन का एक सिग्निफिकेंट ये भी पार्ट पता चला कि इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस. वी आर अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ द सन राइट नाउ. ये तो पढ़ाया था यार मैम ने सेकंड स्टैंडर्ड में. वी कैन नॉट लीव द सोलर सिस्टम अभी तक, इतना भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाएंगे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे पास में कोई शील्ड ही नहीं है उसको बचाने के लिए. वी हैव टू ट्रैवल विद द सन, अगर तू समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं. हां हां, अब मैं क्या कह रहा था, तू कह रहा है कि हीलियोस्फीयर के बाहर निकलते ही ग्रेविटेशन वाला वो चेंज हो जाता है. हां, ग्रेविटेशन इज वन एस्पेक्ट, और भी जो भी मतलब सन का जो इफेक्ट है ग्रेविटी के साथ और भी जो भी इफेक्ट हम पे डालता है वो सब इस स्फीयर के अंदर अंदर ही है. स्फीयर के बाहर जाते के साथ ही वी एंटर इनटू अ न्यू वर्ल्ड, एकदम अलग. एंड हाउ मच डू यू नो अबाउट पायोनियर 10 एंड 11? ये भी हमारे स्पेस मिशंस थे. ये इसमें काफी फेमस मुझे कैसिनी लगता है. कैसिनी थोड़ा आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस लेके चलता है अपने साथ में. कि हमने सर्च मारे एक बार कैसिनी. कमेंट आया लविंग द स्ट्रीम. मुझे नहीं लगा था कि लोग रात में 2:30 बजे इतना इंटरेस्ट करेंगे. अबे तेरे को पता क्या है भाई, चौड़ इतनी अपनी. तेरे भी फैन बन रहे हैं. जो भी तैयब का तैयब क्या लग रहा है लोगों, तैयब को कितनी नॉलेज है कमेंट्स में बताओ आपको तैयब के बारे में क्या लग रहा है. शैल वी कॉल हिम एवरी वीक? ना ना, यू कैन कॉल मी एन एंथुसियास्ट ऑफ ऑल थिंग्स इंटरेस्टिंग. Depends how do you define interesting. नहीं, जो लोग तैयब का फीडबैक दो गाइस कमेंट्स में, इसका रिपोर्ट कार्ड दो, फिर हम डिसाइड करेंगे. कैसिनी है, अरे फक, ये तो क्या नाम है. ठीक है, तो आइए खरीदना है मेरे को एक बार. हाँ, थोड़ी देर के रुक, देख एक बार ये जो बड़ा खोल रहा हूँ, बड़ा खोल रहा हूँ. हाँ, बैक पीछे जाए एक बार, वो जो फोटोज थी वो बहुत सारी. हाँ, अरे रुक, तेरे बारे में आया विकास सिंघाले का. तैयब, इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस लिस्टिंग टू यू. व्हाट बुक्स वुड यू रिकमेंड टू अंडरस्टैंड स्पेस और वर्किंग ऑन स्पेस? इस पे बाद में आएंगे. तैयब ओपी, ओपी बुला रहे हैं भाई तेरे को, बड़ी बात होती है. हाँ, आप बता. आपकी कृपा बनी रहे. हाँ हाँ, तो वो एक बार गूगल इमेजेस में जाना, मतलब जितना मुझे पता है ऑब्वियसली टेक्निकल डिटेल्स के लिए तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. जैसे ये ऊपर से जो सेकंड वाला फोटो है, नीचे 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 नीचे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ दिस वन. ठीक है, तो जो ये नीचे जो काले से कलर का जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये आई बिलीव ये वाला है या फिर ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट लेफ्ट द स्पेसक्राफ्ट एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो सैटर्न पे उतारा हमने. ठीक है, That is very important. हमने क्या मार्स पर रोवर्स चला लिए, चांद पे हमने इंसान को ले जाकर खड़ा कर लिया, लेकिन आउटर प्लैनेट्स में हम कभी गए नहीं, क्योंकि हमको ये तो एक बात पता ही है कि उन पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग देयर, बट वी हैड टू लुक के अंदर क्या होता है उस प्लैनेट में, है क्या चीज अंदर, पानी चल रहा है, हवा चल रही है, हो क्या रहा है. तो ये हमने छोड़ा उसके अंदर, इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का ही छोटा पार्ट. आई थिंक उसका यूट्यूब पे वीडियो भी है, एनिमेटेड ही. और वो स्पेसक्राफ्ट ने शायद 30 सेकंड के लिए कुछ अपन को ट्रांसमिट करा होगा डेटा, एंड दैट डेटा इज कंसिडर्ड लाइक कुछ अलग ही दुनिया है.
सैटर्न, ओ भाई मेरी तो फट गई थी वो देख करके, ये क्या हो रहा ये देखता हूं। A lone explorer. On a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. In 2004, following a seven-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. To the SOI burn attitude or pointing position, and light up the rockets. The spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. Huygens' arrival on Saturn's moon, Titan. For over a decade, Cassini has shared the So Titan is like possibly the most important thing in the universe other than Earth. ठीक है? लोग Mars पे इसलिए बात कर रहे हैं because it is easier to get there. But if any chance अगर option दोनों में है, every intelligent scientist, Elon Musk scientist नहीं है, every intelligent scientist को ये पता है कि Titan ही next home planet बन सकता है या some place where we can actually start living, क्योंकि उसकी properties इतनी प्यारी हैं. है ना, वो जगह ऐसी है कि आपने जो सपने में सोचा है ना वो वहां पे मौजूद है अभी. We just need to know how to get there. तो ये हमने वहां पे पहली बार प्रोब उतारा, ठीक है, और इस प्रोब ने वहां पे देखा कि वहां पे मौसम चलता है, वहां पे सनराइज सनसेट अर्थ की तरह होता है, वहां पे माउंटेन है, वहां पे पॉसिबली पानी बह सकता है, पॉसिबली मे बी नॉट पानी, मे बी लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन बहुत क्लोज है अर्थ के, दैट कुड हैव बीन ऑन अर्थ, ये बोल सकते. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो मे बी कभी आगे इस पे कोई वीडियो बनाएंगे और डिटेल में पता करेंगे. नहीं नहीं, ये वाली सीरीज तो हिट हो गई गाइस. अगर हम टेक के ऊपर वीडियोस बनाएं या स्पेस के ऊपर, किसको वोट दोगे आप? टेक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करोगे या स्पेस रिलेटेड? मेरा वोट है स्पेस को, आप बताओ कमेंट्स में. वोट है टेक को भाई, अगर ऐसी बात. नहीं नहीं, मेरे को स्पेस, आई डोंट लाइक स्पेस, आई लव स्पेस, बट मैं अभी आई वांट टू मेक मोर टेक वीडियोस. एंड नहीं नहीं, बट लाइक जनता जनता जो बोलेगी वो करेंगे. स्पेस और टेक एक ही नाम बोल सकते हो. आगे देखते हैं तब तक वीडियो. The wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. I have comments there. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment. Cassini's grand finale is a brand new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves, ये polarly Saturn को observe कर रहा है, क्योंकि disc जो है Saturn की सबको पता है काफी famous है. Saturn has many discs. Discs वो actually debris और rock और छोटे-मोटे captured comets वगैरह हैं जो Saturn ने पकड़ लिए हैं. ठीक, अब उसके बीच में ट्रैवल करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अपना ये जो प्रोब है, जो अपना सैटेलाइट है, ये बहुत डेलिकेट है. ये भाई तू देख सकता है, गोल्ड फोटोग्राफ करके बचा रहे हैं हम इसको, तो इसमें छेद करना तो बहुत आसान है. तो इसलिए उसको पोलरली चला रहे हैं रादर देन हॉरिजॉन्टली, अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अब वो डिस्क के बिल्कुल सामने से हम निकलते हैं. मतलब देयर कम्स अ मोमेंट वेयर डिस्क जो इतनी बड़ी हमको दिख रही है, वो घूमते 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 एक लाइन बन जाती है.
आई फाइंड दीस थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसलिए नहीं, बट मैं ये नहीं समझ रहा वो डेब्री के बीच में से कैसे निकलता है कैसीनी. क्योंकि मेरा जो प्लेनेट है और जो जो उसकी रिंग चल रही है, देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन. वो अच्छा उसके वहां से निकल जाता है. वहां से निकल रहा है, वो अंदर से घूम रहा है. Leaves this unexplored region. Cassini seeks new insights about the origins of the. हाँ क्या कह रहा है? जो plan, जो 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 sorry, जो moons हैं Saturn के, वो ring के अंदर ही exist करते हैं. और because of those moons, जो rings हैं, वो differentiate कर सकते हैं हम. One ring, two ring, third ring, fourth ring, fifth ring. क्योंकि उन्होंने क्या करा? Sweep कर दिया, झाड़ू लगा दी पूरे के पूरे ring के ऊपर. कि जो भी उसके रास्ते में आया, वो सब उसने पकड़ लिया moon ने. अब वो खाली रास्ता है. अब उसके आगे रिंग का बाकी का पार्ट है, उससे पहले रिंग का बाकी का पार्ट है. तो दैट इज व्हाई वी सी मेनी डिफरेंट रिंग्स जो कि अलग-अलग पैटर्न बताती हैं. रिंग्स एंड द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स इंटीरियर क्लोजर टू सैटर्न देन एवर बिफोर. ऑन द फाइनल ऑर्बिट कैसिनी विल प्लंज इनटू सैटर्न fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends as Cassini becomes part of the planet itself. That is the moment, man. Saturn ke hamara part. Saturn ke atmosphere ko humne banayi. That is the तो ये पहुंच गया सैटर्न पे. हाँ ये पहुंच गया, लेकिन क्योंकि एंट्री की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये खुद को स्लो डाउन कर ही नहीं सकता. और नीचे हमारे पास जमीन तो है ही नहीं सैटर्न के अंदर, तो वैसे भी नहीं उतरने वाला था. तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जल गया, लेकिन जब तक ये ऑपरेशनल था, इसने बहुत डेटा हमको भेजा है. अच्छा, सैटर्न बस वो गैस है क्या? सैटर्न बस, सैटर्न इज ऑल अबाउट गैस. देयर माइट बी अ कोर जो कि सॉलिड हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंदर है. वहां तक हम ऑलमोस्ट अभी पहुंच ही नहीं सकते, एटलीस्ट 100 साल में. कैमरामैन रिस्किंग हिज लाइफ टू फिल्म दिस मास्टरपीस. ये तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि दिस इज ऑल आर्टिस्टिक वीडियो. हाँ ऑब्वियसली, मैं वही कह रहा था. कैमरा नहीं है जो ये सब रिकॉर्ड. बट हाँ, एक बड़ी फनी और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी. मोर इमोशनल देन टाइटैनिक सेंडिंग. सही में ब्रो, ये तो मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां डालता हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कवर के वीडियोस डालता हूँ. ये तो मजा आ गया भाई. ये अभी तक का मेरा फेवरेट वो है. नंदिनी भी देख रही है स्पेस ऑल द वे. तो देख एक बार वर्ड्स गिनते हैं, तू भी गिन. ठीक है भाई, तू जीत गया. स्पेस एक वीडियो का कर लेना यार. स्पेस 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 4 5 6 7 8 9 टेक वाले भी हैं दो चार लोग, बट हाँ कर लेंगे, देखते हैं. पर स्पेस में अपन पूरी सीरीज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है. व्हाई डज दिस मेक मी क्राय? कैसीन, इट वाज एन ऑनर सर्विंग यू. ह्यूमंस नो द ऑनर वाज आवर्स. सैल्यूट्स इन रिस्पेक्ट. Things you watch when you're supposed to be sleeping. यार तो comments पढ़ के मजा आता है. I'm getting emotional over a satellite. Because it died so that we can know something more about the planet. Fuck dude. Fuck, ये तो काफी cool है यार. जैसे next हाँ. आगे अगर अपन देखना चाहें तो अपन ये देख सकते हैं कि Voyager ने जो Pluto की photos खींची थी, मतलब the only photos. अरे fuck, ये अभी कुछ time पहले ही आई थी ना? कुछ time पहले आई थी. सारी कंट्रोवर्सी हुई थी प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर और वो सब चीजें उसने क्लियर करी. फोटो से बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है? बहुत प्यारी फोटो है भाई. क्योंकि अगर तू ये वीडियो देख रहे तो हमारा इंटरप्रिटेशन था प्लूटो का, मतलब व्हाट वी कुड सी फ्रॉम अर्थ बेस्ट पॉसिबल टेलीस्कोप, या फिर हमारा जो आउटर जो टेलीस्कोप है बाहर रखा हुआ गैलीलियो, उससे अपन देखते हैं. तो undefinable है, मतलब हमारे लिए. हम प्लूटो की फोटो जो भी पॉसिबल है उसको देख करके बोलते हैं कि इट हैज थिंग्स वाइटर देन द स्नो एंड ब्लैक, मोर ब्लैक देन द कोल. ये हमारी बेस्ट पॉसिबल, ये साइंटिस्ट के वर्ड्स है. दिस इज ऑल वी कुड सी. और जब ये वॉयजर वहां पे पहुंचा, क्या खूबसूरत फोटो निकल के आई है. मतलब दिस इज अ वर्ल्ड विच स्टैंड सो फार अवे फ्रॉम द सन, वेयर द सन सीम्स इटसेल्फ एज अ स्टार. समझ रहे?
आगे बढ़ा आगे बढ़ा। तो 90 सेकंड का तो वीडियो है हमारा, एक सेकंड जो है 8,500 फीट है, ये 11,000 फीट के वहां पे माउंटेन्स हैं। अभी से बताना कोशिश कर रहा है कि वो बहुत कुछ है। These mountains are made of ice. Ice is not always water वाली ice, और भी gases की ice. हाँ, रोक एक और। हाँ। तो हमको कुछ साल मतलब शुरू में हमने प्लूटो ढूंढा था, उसके काफी टाइम के बाद हमको पता लगा कि प्लूटो is not actually one. But a system of two bodies. ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है, बट चैरियन प्लूटो के साथ में चलता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए लोगों ने ये भी माना था कि दिस इज अ टू प्लैनेट सिस्टम जो एक सेंटर एम्प्टी सेंटर पे रिवॉल्व करता है, क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है। बट अब बाद में पता चला है कि दिस इज एक्चुअली अ मून ऑफ प्लूटो, वेयर प्लूटो इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल। ठीक है, अब ये वाली फोटोज देख, पर बैक कर बैक से इतनी इंपॉर्टेंट फोटो है, सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स देखा। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू सी अ प्लूटो एक्लिप्स यू हैव टू बी बियॉन्ड प्लूटो। दिस इज सो अमेजिंग मैन, ये तो काफी कूल है। This is New Horizons spacecraft to visit the planet Pluto and then beyond. बैक करना देख, ये भी लास्ट एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी लोगों के। तेरे को दिख रहा है राइट साइड में जो जो लाइटर पार्ट है, दैट रिजेंबल्स अ हार्ट इमोजी। ये हाँ तो दिस वाज प्लूटो सेइंग हेलो टू अस। हाँ, प्लूटो इतना डिटेल में देख पाए कि प्लूटो आपको बोल रहा है कि आई लव यू अर्थ। हाँ, प्लूटो को हमने काफी मिस्ट्रीट किया ना, कि बीच में उसको क्रेडिट देते थे कि प्लैनेट है, फिर नहीं देते थे, तो काफी वो है। एक्चुअली प्लूटो प्लैनेट नहीं है। बढ़िया, चल एंड करते हैं आज का यार, ये काफी सही हो गया। मैं वो पीक पे खत्म करना चाहता हूँ इसको, कि लोग ऐसे रहे कि फक, इन्होंने तो मचा दिया आज। बट हाँ, Trippy Datta, things you watch when you are supposed to be sleeping, web of stream. Hey, Trippy Datta, ये Trippy Datta है. Shit, मैं इसको कब से Trippy Datta पढ़ रहा हूँ. I am so sorry, Trippy. Yeah. I am so sorry. I feel so bad right now. maybe she is Trippy. I don't know. You don't know. पता नहीं, मतलब I am so sorry. इसको बुलाते होंगे इसके friend. Sahil Sharma is saying I support tech because it is the only thing that enabled us to discover space. ये कह रहा है tech videos करो. Shani Sai saying रात को बोर हो रहे, please don't end. नहीं यार, आज तो खत्म करेंगे, मेरे को इसको ऐसे प्रमोट करना है, this is the best stream I have done till date. Solar system is Python library for finding positions of planet around sun or earth. अच्छे आएगा, अच्छा देख, मैंने देखो कहा था 20 लोग देख रहे होंगे तो अपन वो हो जाएंगे, मेरे चैनल के हिसाब से 20 काफी है भाई। लोग सब सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल, इस चैनल पे 1000 व्यूज करने हैं हमें 16 जुलाई है ना, 25 जुलाई को मेरा बर्थडे है, तो आपके पास 9 दिन है मेरे को बर्थडे गिफ्ट देने में, इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को। अच्छा,
तृप्ति दत्ता ने शायद अभी नाम चेंज किया है, पहले ट्रिपी था, आई डोंट नो, ये कंफ्यूज कर रही है या कर रहा है जो भी है, वेरी कंफ्यूज, बट हाँ दिस वाज अ लॉट ऑफ फन, मजा आया था ये, बहुत मजा आया भाई, ये तो काफी कूल हो गया। मैं और तैयब आज पता है करने नहीं वाले थे क्योंकि आज चलचित्र पे भी एक और स्ट्रीम था और ये तैयब भी पहले सो रहा था और फिर हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया, हम कुछ करने वाले थे किसी और टॉपिक पे, बट फिर हमें रियलाइज हुआ कि स्पेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम दोनों का इंटरेस्ट है और तैयब को मेरे से ज्यादा पता है, तो मेरे को था कि नहीं नहीं बट मेरे को था कि मेरे को क्वेश्चन बहुत है यहाँ पे मेरे पास, तो यहाँ पे और अनलाइक ग्राफिक कार्ड थिंग यहाँ मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे क्योंकि एक तो स्पेस है भाई तो या तो चलो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैराथन स्ट्रीम क्या होता है, करेंगे मैराथन स्ट्रीम भी करेंगे, चलो अब सोएंगे हम, ठीक है चलते हैं, बाय ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, बाय।